जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे इसे इस मॉलिक्यूल से प्रदर्शित करते हैं। इसे इस मॉलिक्यूल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है? आवेश का मात्रा क्या है? कूलम। जिसका मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। अब देखिए कूलम का जो फॉर्मूला, क्यू बराबर होता है आईटी और क्यू बराबर क्या होता है यानी, ये दोनों फार्मूले हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां आई क्या है? आपकी धारा हो गई, और टी क्या है? आपका समय है। समय किसमें होना चाहिए? सेकेंड में। समय किसमें है? सेकेंड में है। यन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की क्या है? संख्या हो गई, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर क्या है? आवेश। क्या है? आवेश है, जिसका मान -1 टू 10^-19 कूलाम होता है, ठीक। तो यहां से इसका एक फार्मूला हो गया, हो गए, ठीक है। मात्रा को निकाल चुके हैं, अब हम लोग इसकी बीमा भी देख लेते हैं। देखिए इसी पे समझा देते हैं इसकी बीमा क्या है। अब इसकी जो बीमा है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसकी जो बीमा होती है यानी आवेश, यानी क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है ना। क्यू बराबर क्या है? आई टी है। तो देखो धारा, धारा को कैसे लिखते हैं? एम्पियर को। एम्पियर का क्या हो जाएगा? ए, है ना। इसकी जो बीमा निकल गया है एम्पियर क्या हो जाएगा? समय क्या हो जाएगा? टी। तो बीमा हो जाएगी ए टी। क्या हो जाएगी? बीमा ए टी यहां से निकल के आता है। तो ये हो गया आपका आवेश। क्या हो गया? पूरा ये पूरा हो गया आपका आवेश, ठीक। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? आपका आवेश निकल कर आता है यहाँ से, ठीक। तो मित्रों आपको समझ में आएगा। अब आवेश के बाद हम लोग देखेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? जैसे चाल एक है पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है, तीन प्रकार से किया गया है। अब हम लोग देखेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। एक है आपका चालक, अचालक और अर्धचालक। तीन तीन के बाद हम लोग कूलाम का नियम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। इसमें मिटा रहे हैं इसको। देखिए पदार्थों का वर्गीकरण क्या है? पदार्थों का वर्गीकरण, वर्गीकरण है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। देखिए पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का एक नंबर एक है आपका चालन। क्या है? चालक। दूसरा क्या है? चालक हम लोग कंडक्टर कहते हैं, कंडक्टर, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? वैद्युत रोधी। क्या है? वैद्युत रोधी अथवा कहते हैं आचालक, अथवा आचालक, वैद्युत रोधी अथवा क्या कहते हैं इसको? आचालक। इसको हम लोग कहते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक। और अगला है आपका तीसरा, इसमें है अर्धचालक। क्या है? अर्ध चालक। और इसे कहते हैं सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ठीक है ना। ये तीन है। अब तीनों के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक। पहला है चालक, भले तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा बता रहे हैं। चालक, चालक देखो यानी कंडक्टर। चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं, ठीक। चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अधिकतम होती है ना। जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है वो क्या होते हैं? चालक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, मानव शरीर इत्यादि हो गया। उसके बाद आता है वैद्युत रोधी और आचालक अथवा आचालक,
ठीक, जिसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, नगण्य होती है। नगण्य का मतलब निग्लेक्टेड, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक मित्रों, अब जैसे इसमें हो गया आपका लकड़ी हो गया, ठीक है ना, बेकेलाइट हो गया, प्लास्टिक हो गया इत्यादि। ठीक, अब हम देखते हैं इसके आगे आपका है अर्धचालक सेमीकंडक्टर, ठीक ना, जिनकी चालकता चालकों और अचालकों के बीच की होती है। चालकता चालकों और अचालकों के बीच की होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर कहलाता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर का जैसे इसमें क्या है, सिलिकॉन हो गए, जर्मेनियम हो गए इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। अब हम एक एक को आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए पहला है चालक। चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिकतम होती है, अधिक होते हैं, और विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से होता है, सरलता से होता है। जैसे इसमें क्या हो गया, आपका हो गया सोना, चांदी, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, लोहा, ठीक है, मानव शरीर, पृथ्वी, पृथ्वी इत्यादि, ये हो सकते हैं। ठीक, अब आता है करा है, इसमें अचालक पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है नगण्य होती है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नगण्य होते हैं, नगण्य, नगण्य होते हैं, अर्थात इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। ठीक है ना, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह प्रवाह नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक, जैसे आपका हो गया बेकेलाइट, क्या हो गया बेकेलाइट, ठीक है ना, बेकेलाइट हो गया, लकड़ी हो गई, ठीक है, और ठीक है, इस तरह से हो गया। अब आता है आपका सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, जिनकी चालकता चालकों और अचालकों के क्या हो, बीच की हो, उसे हम लोग सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक कहते हैं। इनकी चालकता चालकों और अचालकों के बीच की होती है, सेमीकंडक्टर कहलाता है। जैसे इसमें निकल के आप देखा है जर्मेनियम, जर्मेनियम और है सिलिकॉन, क्या है सिलिकॉन, ये क्या है अर्धचालक कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक मित्रों, तो ये आपका समझ में आएगा चालक अचालक और अर्धचालक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कूलाम का नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका चैप्टर मेन से जो यहां से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे मित्रों, इसमें देखने वाले हैं जो है कूलाम का नियम, क्या देखेंगे कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम देखेंगे, कूलाम के नियम के बाद आप साइलेंट जीरो का मात्रक और साइलेंट जीरो की विभव, यहां तक हम लोग पूरा देखेंगे, डिटेल में समझाते चलते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आते हैं कूलाम्स लॉ, ठीक है, आते हैं कूलाम्स लॉ, चलिए इनको समझने का प्रयास करिए, जरा ध्यान दीजिएगा। कूलाम्स लॉ यानी कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, जिसे हम लोग कहते हैं कूलाम्स लॉ।